एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, मैं ना ब्लॉग, जैसे कि आप जानते होंगे, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि ना मुझे ना डेली, सच तो ये है कि मुझे ना डेली समझ में भी नहीं आता है कि क्या वीडियो बनानी है, किस चीज़, किस टॉपिक पर बनानी है। तो मैं कोई ख़ास चीज़ होती है, जैसे कहीं घूमने फिरने चले गए या कोई फेस्टिवल है, तो उस चीज़ में मैं डाल देती हूँ वीडियो। और बस यही है कि मैं मतलब उन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डालती हूँ। बाकी अभी सॉरी के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो फिर मैं ना पढ़ाई के बीच में, ये है कि मैं किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, उसकी पढ़ाई के बीच में किसी और चीज़ पे मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, उसकी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस है मेरा। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा नहीं डाल पाते हैं। बट दोस्तों, जितना भी जो भी हम डालते हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपना, है ना। और ज़्यादा क्या बोलें, और आज भी कुछ खास होने वाला है ब्लॉग, क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। और यहाँ कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा लोग। और छोले भटूरे मैं क्या, मेरे, मैं अपनी जेठानी के साथ बनाऊँगी। और अभी मैंने उसके लिए मतलब सामान तो लेके आ रखी हूँ मैं, बाकी अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और मैं फ़र्स्ट टाइम ही, वैसे छोले तो मैं बनाती रहती हूँ, बट भटूरे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी रीज़न यही है कि आज मैं वीडियो डालूँगी अपनी रेसिपी की। तो देखना दोस्तों कैसे, अगर हो पाए सक्सेसफुल तो, क्योंकि भटूरे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ दोस्तों। छोले तो मैं बनाती रहती हूँ वैसे, पूड़ी की साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ छोले तो बन ही जाते हैं, बट भटूरे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यही रीज़न है आज वीडियो बनाने का। तो बने रहिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, और बताना कैसे बने हमारे छोले भटूरे और हम कितना कामयाब होते हैं उस चीज़ में। तो देखते हैं, अभी ऊपर चलते हैं दीदी के रूम में पहले, क्योंकि अभी टाइम 1 बज रहे हैं, तो मैं मैदा वैदा जो ला रखी हूँ, तो मैं उसको अभी गूंद के रख दूँगी, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब में देखा था कि उसको 5-6 घंटे के लिए रखते हैं गूंद कर, और बाकी मतलब बनाएंगे तो शाम को ही हम, बट मैं मैदा अभी गूंद के रख दूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं दीदी के रूम में, वहाँ पर गूंदते हैं मैदा। तो चलिए, मैं यहाँ पर दीदी के रूम में आ चुकी हूँ। दीदी यानी मेरी जेठानी, ये देखिए। ये अभी हम यहाँ पे कांड करने वाले हैं, देखते हैं क्या कांड। आ चुका है मैदा। हाँ, दही में पानी? नहीं नहीं, ऐसे ही लिया। हाँ, तो ये है मैदा, ये है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, ये दही पीने के लिए लिया आए होंगे जैसे। और ये है, यहाँ पे हमने सूजी भिगो रखी थी। तो ये देखिए, अभी मैं इसका पानी थोड़ा निकालूंगी। अभी मैं ना यहाँ पर मैदा भूनने लग गई हूँ, है ना। और हमारा ना बच्चों का आने का टाइम भी हो गया है, तो ब्लॉग देखने ही नहीं है। अपनी जेठानी से मिलवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो फिलहाल तो आटा भून लेती हूँ। अब यहाँ मैं बार बार ना आटा बोल रही हूँ, मैदा भून लेती हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसमें मैं मिला रही हूँ दही। अभी मम्मी पापा नीचे खाना खा रहे हैं, टाइम 2:30 मतलब 2:15 हो रहे हैं, 2:30 बजने वाले हैं, हमारे बच्चे भी आने वाले हैं। और ये मेरा आटा अभी आधा ही गूंदा है, ये भी अभी यार ये आटा ही बोल देती हूँ मैं बार बार, मैदा। गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे हम आप। मैदा गूंदने का टाइम बहुत लगता है ना, तो पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी दीदी। सामने दिख रहे होंगे आपको, फोन चला रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आज हम भटूरे बना रहे हैं, क्या बन पाएंगे? विश्वास है आपको मेरे पे? नो आइडिया, नो कमेंट्स। क्या बनता है? लेकिन बराबर का साथी हो आप मेरे, यहाँ पे भागीदार बराबर। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने गूंद तो दिया इसको, अब इसको दीदी बताएंगी कि ये क्या सही सही गूंद पाया है या नहीं। कैसे रखना है ढक के, कैसे? हाँ ढक के रखना है, ओके।
ऐसे में सूख जाएगा शायद, ये भारी रखना होगा ना। हाँ भारी। और कोई हो गया? ठीक है, 5 घंटे पे ऐसे रहना बेचारा। तब तक ऐसे ही मैंने इसमें मैंने अपने हिसाब से आप पानी लगा सकते हैं। मैंने इतना पानी लगा के इसमें मैं आधा चम्मच इसमें नमक डालूंगी बॉईल करने के लिए, तो मैं इसमें डालती हूँ फिलहाल। अभी मैं आधा चम्मच डालूंगी और थोड़ा सा तेल डालूंगी, जो भी आपके पास तेल हो, ताकि ये जब बॉईल हो रहा हो मतलब जब इन पर छिटी आ रही हो तो ये उबलना है। तो बस मैंने इसमें तेल डाल दिया और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे ढक्कन, बस रख देंगे चूल्हे में बॉईल करने के लिए। तो ये देखिए मैंने रख दिया ये गैस में, और तो अभी हम आधे घंटे के लिए रखेंगे इसको। A few moments later. फ्रेंड्स ये देखिए हमारे छोले भी हो चुके हैं उबल कर तैयार। ये देखिए खूब अच्छे से उबले हुए हैं, और यहाँ पे मैंने प्याज ग्राइंड कर दिया है, और यहाँ पे देखिए ये अब मैं यहाँ पे है अदरक लहसुन और मिर्ची। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में अब तेल डाल दिया है गरम होने के लिए, क्योंकि छौंक में कढ़ाई में मारूंगी। और यहाँ पे देखिए अभी मैं अदरक लहसुन और मिर्ची ग्राइंड कर रही हूँ, और मैंने दिखाया आपको प्याज तो मैंने पहले ही ग्राइंड कर दिया था। और ये देखिए मेरी पसीने से हो रखी हालत ख़राब, आज ना बारिश तो आई है सुबह बट अभी बहुत गर्मी हो रही है, मॉइस्चर बहुत मस हो रखी है। चलिए तो ये देखिए अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास ना दालचीनी भी यही पड़ी हुई थी, और ये काली मिर्च और ये है तेज़पत्ता। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इतना ही डालूंगी क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। तेल गर्म हो चुका है, ठीक है, इसके बाद मैं प्याज डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी में डाल दूँगी ताकि अदरक लहसुन भी अच्छे से पक जाए। तो मैंने ये छाते डाल दिया है, और मेरी गैस हो रखी है बंद। तो चलिए अभी इसको थोड़ा पका लेते हैं, ब्राउन करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे टमाटर भी ग्राइंड कर दिए हैं, और यहाँ पे हमारा प्याज भी पक चुका है। देखिए ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे। टमाटर भी डाल दिए हैं, और अभी मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, मसाला यानी नमक वगैरह ऐड करूँगी। मैं इसमें मसाला ऐड करने लग गई हूँ, अभी मैंने आधी चम्मच पहले डाली थी, मैंने दिखाया था आपको एक चम्मच ये है, और थोड़ा सा और डाल देती हूँ। आप अपने अपने हिसाब से डाल दीजिए, क्योंकि खाना जो बनता है सभी अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। ये मेरे पास कलर वाली मिर्ची है, तो ये तो मैंने बिरी मिर्ची डाली, देखिए कलर वाली मिर्ची तो मैंने पहले डाली थी, थोड़ी डाल रही हूँ। ये धनिया पाउडर, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, और अभी मैं इसको कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम क्या 10-15 मिनट के लिए मैं इसको ढककर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मसाले काफ़ी अच्छे से हमारे ब्राउन हो चुके हैं यानी पक चुके हैं, काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है इनमें, और मैंने अब इसमें कर दिए हैं छोले ऐड। तो ये देखिए दोस्तों टेस्टी टेस्टी रेस्टोरेंट जैसे छोले, मस्त सा कलर आ रखा है इसमें, अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बट हाँ अच्छा कलर है इसका। और अभी ये इसका थोड़ा मैं पानी सुखाऊंगी, क्योंकि ये लिक्विड ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा इसको सुखाऊंगी अभी मैं पानी को। छोले तो ऑलमोस्ट हमारे बन ही चुके हैं, बट मुझे डर भटूरों का है, क्या हमारे भटूरे बन पाएंगे? जानने के लिए देखिए फुल वीडियो, मत करना। तो अभी दोस्तों मैं अपने रूम में बना रही हूँ छोले, तो यहाँ पे बना रही हूँ, और भटूरे बनाने के लिए मैं जाऊँगी दीदी के कमरे। भटूरे फूलेंगे, पता नहीं फूलने चाहिए, फूलेंगे फूलेंगे, ठीक है, आज हम आपको खिलाएंगे जरूर, ठीक है। तो आपको फुलाएंगे जरूर, फुलाएंगे नहीं, आप तो ऑलरेडी फुले पड़े हुए हो, खिलाएंगे खिलाएंगे। तो
ऐसे क्यों कर रहा है? तो गाइस बूमर खाली चिल मारी और वीडियो देखो। ये छोले मैं बंद करके गैस बंद करके फिर जाती हूँ उनके कमरे में, फिर दिखाती हूँ आपको भटूरे हमारे। रिजल्ट देखने है ना आखिरी तक, तो बने रहिए वीडियो में, बने रहिएगा दोस्तों। ये तो अभी हम दिखाते हैं आपको, भटूरे भी दिखाते हैं। तो चलिए अभी चलेंगे, थोड़ी देर बाद मैं गैस बंद करती हूँ। अरे सर में क्या डाला आपने? चलिए दोस्तों बने रहिएगा व्लॉग में, अभी चलती हूँ मैं ऊपर। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर दीदी के किचन में, और यहाँ पे हमने रख दिया है तेल गरम होने के लिए। और ये देखिए ये है मैदा जो हमने दिन में गूंद के रख दिया था। अभी ये काफ़ी सॉफ्ट तो हो रखा है, बट देखते हैं बन पाते हैं कि नहीं, होप सो बन ही जाए। तो ये देखिए अभी हम इसकी लोइयाँ मतलब गोलियाँ बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है। ये देखो किसी भी हिसाब से ले सकते हैं आप, गोल गोल बननी चाहिए बस। ये देखो दीदी ने तो गोल गोल ही नहीं बनाए, ये देखो ये हैं इनके, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये बनाई है दीदी ने गोल गोल ये गोल गोल है आने तो बाद में सर बस बन जाएंगे। ये फटने नहीं चाहिए, किचन को खौफ। दोस्तों हमें ना किचन का खौफ लग रहा है किचन का, क्योंकि हमारा नहीं क्योंकि ना आप लोग नहीं समझ सकते हैं, हम रिस्क में बना रहे हैं, रिस्क में। बट जो हमारी जिनका ये किचन है वो वीडियो में पता चलेगा उनको भी सिर्फ वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं अभी। अब उसके बाद जो होगा हमारा वो अभी हमने सोचा नहीं है। तो ये अभी फ़िलहाल तो देखते हैं फिर बाद में क्या होगा। तो बन गया, ये फट तो नहीं फूटेगा? ये फट फूटता दीदी है? नहीं फूटेगा, नहीं फूटेगा। एक दिन मैंने डाला था ना, फूट गया था मैदा। हाँ नहीं नहीं मैदा नहीं, आटे की गोली। आटा तो फूट जाता है। अच्छा आटा फूट जाता है? हाँ। ये भी फूटता होगा तो नहीं हुआ, तेल तेज गर्म होने दे। मैंने देख लीजिए वो कैसे। अच्छा ओह माय गॉड, इतना टाइट हो रहा है। मैंने तेल टाइट है, सही हो रहा है। इन पर ना तेल लगा दे, मैं तो गरीब एक बना के खाने यहाँ तेल पर गर्म होने देना है उसके लिए। तो इस तरह की मैंने बना दी है इसको, अब मैं इसको बेलने जा रही हूँ। कम करूँ? हाँ अभी हमारे लिए सेप मैटर नहीं करता, बस बन जाए। खाना मैटर खाना मैटर करता है, खाने के लिए बन जाए, खाने लायक बन जाए बस। ये हमारी शेप बनी है कुछ इस टाइप की, ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है। हाँ ऐसे ऐसे फुलाते रहो उसको, हाँ तेल चलाते रहो उसमें, ऐसे पूरी जैसे बन गई। तो दोस्तों ये देखिए एक्सपेरिमेंट कुछ सक्सेसफुल तो हो रहा है, फुली फुली तो बन रही हैं, बट इसको पकाना पड़ेगा अभी और ज़्यादा। हाँ 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 इधर नहीं लोड़ा, वो उल्टा हो रहा है ना ये, ये देखना। हाँ ये फुली फुली बन तो गई हैं ज़्यादा, बट ये दूसरी साइड पलटने का नाम ही नहीं। हाँ तो चलिए मैं आगे हटूँ, हाँ आगे दिखाती हूँ आपको क्या पता ये बन जाए। इसमें मैंने तेल कम डाला है, हाँ ऐसे फुला।
फूल जाए यार। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ कुछ ऐसे हो रहे हैं, बट ठीक है। दोस्तों ये देखिए छोले तो बहुत टेस्टी बने हुए हैं, बट ये भटूरे के चक्कर में ये पूरी बन गई है, ये देखिए। लेकिन खाने में बहुत टेस्टी हो रहे हैं। कुलचे जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कुलचे जैसा। नहीं टेस्टी बहुत हो रहे हैं पता है, क्योंकि मैदा है ना, और जैसे नमक पारे नहीं होते उस टाइप के हो रहे हैं कुछ ये। तो ये देखिए खाने में टेस्टी हो रहे हैं, पर थोड़ा शेप इनकी थोड़ा गड़बड़ हो गई है, बट हम खाएंगे फिर भी। तो चलिए शुरू करते हैं अभी खाना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।